हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो देख लेते हैं आज ओवरऑल हमारा मार्केट कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं पिछले प्रिडिक्शन के बारे में बात करता हूं। तो हमारा जो प्रिडिक्शन था, प्रिडिक्शन में ये था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो देखिए हमारा मार्केट यहाँ एक बहुत ही बड़ा सा कैंडल से, एक 5 मिनट के कैंडल में अगर देखेंगे ना, बहुत बड़ी कैंडल में यहाँ एक ओपनिंग होती है। थोड़ा सा यहाँ गैप अप ओपनिंग, मतलब नहीं बोल सकते इसको, फ्लैट ओपनिंग होती है। फ्लैट ओपनिंग में यहाँ से हमारा बहुत लंबा एक देखेंगे नीचे से रिजेक्शन है। उसके बाद हमने ये बताया था कि मार्केट जब भी 42,108 110 को ब्रेक करे तो हम पुट साइड के लिए बढ़ जाएंगे। और यहाँ से हम मार्केट अगर देखेंगे तो हम जैसे ही ब्रेक करता है मार्केट, यहाँ से हमें जो मूवमेंट मिल रहा है, ठीक ना, तो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट अगर देखा जाए टोटल ओवरऑल, तो मार्केट एक रेंज में काफी देर तक रहा। और पहले अगर यहाँ देखा जाए तो हमने लगभग लगभग 100 पॉइंट पहले कैप्चर किया। फिर अगर वहीं से फिर देखिए दूसरा ट्रेड हमें मिला है ना, जस्ट वहीं से रिजेक्शन मिला है, जिसमें हमें लगभग लगभग 140 पॉइंट मिला है। और ओवरऑल ये एक रेंज में मार्केट रह गई, देख रहे हैं, पूरा रेंज में मार्केट रह गई ओवरऑल। और फिर इसी रेंज को मार्केट अपसाइड ब्रेक करके एक अच्छा मूवमेंट देती है, फिर ऊपर से रिजेक्शन मिलती है। हमने अपने टेलीग्राम और हमारे फ्री लर्निंग ग्रुप में भी अपडेट किया था कि मार्केट 42,230 और 32 के आसपास मार्केट एक रिजेक्शन जोन है, और 42,200 230 के पास ही रिजेक्शन जोन है, और जस्ट मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेती है और एक जस्ट एक नीचे साइड का एक अच्छा ट्रेड हमें यहीं से एक्टिवेट होता है। और हमें जो यहाँ जो पॉइंट कैप्चर करने को मिलता है लगभग लगभग यहाँ भी 200 पॉइंट के आसपास, 180 पॉइंट के आसपास मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं ओवरऑल हमारा, ये तो आज का हमने देख लिया कैसे मार्केट बिहेव किया। तो मैं ओवरऑल देख लेता हूँ कि कल के मार्केट कैसे हमारे साथ वर्क करने वाली है। तो कल का प्रिडिक्शन के लिए हम सब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉल के साइड में आपको ये वाला रेंज जो है 42,000, हाँ ये रेंज 42,110 120, जब भी मार्केट अपसाइड ये ब्रेक करे, या तो फ्लैट अपनिंग करके, या तो फिर जैसे भी हो, या तो गैप अप, या गैप अप तो गैप अप का मैं सीन बता दूंगा अलग से, फ्लैट अपनिंग होती है और जब भी ये 42,120 को ब्रेक करे तो हमारा पहला जो टारगेट मिलने वाला है, पहला टारगेट जो हमारा है, ये पहला टारगेट है ना, जिसमें 42,236 233 के आसपास मिलने वाला है। थर्ड टारगेट जो हमें कॉल के साइड में मिलने वाला है, ये थर्ड टारगेट हमारा ये है 42,347, और ये ऑल टाइम हाई है। तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है और हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके यहाँ तक जाए, हमारा ये पहला टारगेट को हिट करे और यहीं से रिजेक्शन ले ले। तो हम देखेंगे कि क्या होता है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग इन द सेंस अगर 42,347 42,300 के आसपास हो जाती है, तो मार्केट को हम लोग को देखना है कि वो कौन सा कैंडल बनाता है। पहला कैंडल को नेगेटिव कैंडल बनाता है या फिर कुछ वैसा कैंडल बनाता है। और जब भी ये कैंडल एक जोन में काफी देर तक, लगभग 1 घंटा के आसपास रहे, एक जोन में रहे, और जिधर ब्रेक करे अपसाइड या डाउन साइड में बैठ जाना है गैप अप ओपनिंग में, ठीक ना। ये गैप अप ओपनिंग का सीन है, जिधर भी ब्रेक करे बैठ जाना है। फ्लैट ओपनिंग का हम कॉल साइड में बता दिया। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, ठीक ना, इन द सेंस गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है ये 42,000 के आसपास में, मार्केट इससे ज्यादा तो नीचे नहीं जा सकती, ज्यादा ज्यादा 42,900 के आसपास जा सकती है। अगर इधर गैप डाउन हो जाती है तो हमें वेट करना है ये वाला, हमारा जो आज का जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग को जब भी ब्रेक करे अप साइड के लिए तो यहाँ से हम लोग एक कॉल का सीन देख सकते हैं, नहीं तो यहीं से एक रिजेक्शन मिल सकता है डाउन साइड के लिए। हम लोग देख सकते हैं पुट साइड के लिए, पुट साइड के लिए क्या सीन हो सकता है। पुट साइड के लिए हम लोग का जो है वो 42,000 सेफ ट्रेडर के लिए अगर बात किया जाए तो पुट साइड यहीं से एक एक्टिवेट हो जाता है, 42,050 यहीं से पुट साइड के लिए हम लोगों को एक्टिवेशन मिल जाता है अगर हम लोग पुट साइड के लिए जाएंगे तो। और हमारा जो पहला टारगेट जो मिलता है वो 42,900 के आसपास, 920 के आसपास है। उसके पहले भी एक अगर मैं टारगेट दे दूं तो ये भी टारगेट आपके लिए एक छोटा टारगेट हो सकता है, जहां मार्केट थोड़ा फंसेगी, हम 41,989 के आसपास, और 42,000 तो एक राउंड फिगर लेवल है, तो वहां तो थोड़ा बहुत रेंज बाउंड हो सकती है और हुई भी है मार्केट। तो ये लेवल को जब भी नीचे साइड ब्रेक करे तो हमारे ये पुट साइड के लिए सीन है। और पुट साइड में और अगर देखा जाए, नेक्स्ट हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है, नेक्स्ट है 41,870, ठीक ना, 41,870 के आसपास ये हमारा पुट साइड के लिए सीन है, और वो कॉल जब बाकी जो मैं बता दी वो कॉल साइड के सीन है। तो ये ओवरऑल हमारा कॉल और पुट साइड का, दोनों साइड का मैं एनालिसिस बता दी हूँ। मार्केट आज
कुछ अच्छा बिहेव नहीं की, लेकिन कल देखिए कुछ अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो आज मैं वीडियो काफी लंबा नहीं करूंगा क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है, तो मैं यहीं इस वीडियो को एंड करता हूं। और बाकी मार्केट जैसा भी रहे, कुछ भी अगर ऐसा अपडेट या मार्केट कुछ अलग बिहेव करे, तो मैं अपने फ्री लर्निंग ग्रुप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मैं उसमें अपडेट कर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।